हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और ये वाली वीडियो भी काफ़ी टाइम के बाद बननी है, लगभग 18-19 दिन हो चुके हैं जो इससे पहले की वीडियो डली हुई है। और मुझे टाइम में काफ़ी गैप भी मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा सा मुझे यूट्यूब से भी कोई ऐसी इतनी खास जो है कोई अर्निंग वगैरह नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मैं अपनी जॉब वगैरह छोड़ दूँ। और जिस वजह से मुझे जॉब वगैरह तो करनी पड़ रही है, उसकी वजह से मुझे मूवी वगैरह देखने का इतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही गिन चुनकर मूवी देख रहा हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं फिर कंटिन्यूसली वीडियो डालना भी स्टार्ट कर दूँगा जल्द ही। तो फिलहाल जैसे भी आपको वीडियोज़ वगैरह देखने के मिल रही हैं, उन्हें जो है आप सपोर्ट दें और बाकी वीडियो को कंटिन्यू कर दें। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कौन सी मूवी के बारे में। सबको पता है कल की 2898 AD करके जो मूवी आई है, उस वाली मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं रिव्यू के बात करने वाला हूँ तो सीधी सी बात है, मैं कहानी के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादातर सबको पता है कि मूवी के अंदर की कहानी क्या होने वाली है। बात करेंगे मूवी के VFX वगैरह की, मूवी की जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है उसके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखो बात करी जाए स्टोरी की ही, तो स्टोरी कैसी थी। स्टोरी मुझे काफ़ी हद तक जो है काफ़ी बढ़िया लगी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करने का तरीका दिया या जिस तरीके से जो हिस्ट्री को जो है फ्यूचर से जो लिंक किया है, प्रेजेंट टाइम से जो लिंक किया है, जो भी सारी जो है कनेक्शन वहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है मुझे कनेक्ट फील कराते हैं कि हाँ यही तरीका था जिस तरीके से वो कनेक्ट कर सकते थे। मतलब हर चीज़ को एक जस्टिफिकेशन वो देते हैं। बात करें मूवी के VFX वगैरह की, तो VFX काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला ये है कि अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है, अश्वत्थामा वाला जो कैरेक्टर है, उसका जो जवानी वाला जो गेटअप आपको देखने में मिलता है ना, मतलब अश्वत्थामा का जो जवानी वाला जो गेटअप है, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको VFX नोटिस होगा, या तो मतलब जो जिस तरीके से वो डीएजिंग करी है अब, या तो मेकअप वगैरह हो, लेकिन वो मेकअप नहीं आपको VFX यूज लगता है, या उनके चेहरे पे या उनके कैरेक्टर को VFX बनाया है, आपको ऐसा नोटिस होता है। बाकी वहाँ पे और भी कैरेक्टर जो है सरप्राइज कैरेक्टर आपको देखने में मिलते हैं, तो वो आपको बढ़िया देखने में मिल जाते हैं। लेकिन जो अश्वत्थामा वाला कैरेक्टर वो आपको डीएजिंग वाले उसमें थोड़ा सा आपको नोटिस होता है कि यहाँ पे कुछ कमी रह गई थी। ठीक, बात करते हैं अब हमारे भैरवा के कैरेक्टर के बारे में। तो भैरवा के कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो बस इसकी हिंदी डबिंग जो है मुझे इतनी ज्यादा खास पसंद नहीं आई। बाकी देखो, अब यहाँ पे देखो मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के हिसाब से। तो मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो लंबा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा लेंथ फील होती है, क्योंकि उसमें हर किसी के कैरेक्टर का बिल्डअप जो है इतनी देर तक चलता है, जिस वजह से वहाँ पे आप कनेक्ट फील नहीं करते हो। लेकिन वहीं पर अगर सेकंड हाफ की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। बात करें यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है काफ़ी सारे कैरेक्टर्स का। एकदम से ऐसा भी नहीं होता है कि फर्स्ट हाफ में जो है कैरेक्टर अलग थे और सेकंड हाफ में उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा सा अलग हो गया, मतलब देखने के लिए मिलता है। लेकिन वो सरप्राइज एलिमेंट में देखने के लिए मिलता है जो कि काम कर जाता है। बात करें अश्वत्थामा के जो रोल के बारे में, तो आप सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत रोल होगा, तो नहीं, उनका काफ़ी अच्छा रोल देखने के लिए मिल जाता है। और यहीं पे एक सवाल उठ के ये भी आया था, अगर आपने काफ़ी और यूट्यूबर्स की जो है वीडियो वगैरह देखी होंगी तो आपके मन में सवाल ये आया होगा कि प्रभास जो है इसके अंदर क्या इसी पार्ट के लिए रहने वाले हैं, या वो कहानी में आगे भी जो है कुछ मेजर रोल प्ले करेंगे। और जो हमें कहानी पता है कल के अवतार के बारे में, तो अगर जब कल की पैदा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, तो क्या वो उसके बाद तक भी जो है हमारा प्रभास का कैरेक्टर जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। इस तरीके से अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो उस चीज़ को लेकर मूवी क्लाइमेक्स में काफ़ी अच्छा जो है आप कह सकते हो एक होल्ड दिखाती है, एक आपके सामने जो है कह सकते हो कंक्लूजन देती है, जो भी आपके सामने प्रेजेंट करती है वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। मतलब उससे मुझे ऐसा लगा कि हाँ प्रभास को वो, अब मैं स्पॉइलिंग करना चाहता हूँ कि वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपको मूवी के एंड में आके पता चल जाएगा। लेकिन आपको सवाल जो है ना कि वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, अगर कंटिन्यू करेंगे तो कैसे करेंगे और नहीं करेंगे तो कैसे नहीं करेंगे, उस सवाल की जो एंडिंग है ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है। और मूवी के अंदर जो भी फाइट सीन देखने के लिए मिलते हैं, बस कह रहा हूँ पहले वाले सीन को, जो पहली वाली कह सकते हो प्रभास की या भैरवा की जो एंट्री वाली फाइट होती है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी थी। लिटरली उसका कह सकते हो एक्शन कोरियोग्राफी बहुत ही ज़्यादा चीप लग रही थी या फेक फेक फील हो रही थी। लेकिन उसके बाद में जितनी भी जो फाइट आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि अश्वत्थामा और भैरव वाली होती है और सुप्रीम वाली जो होती है, मतलब जितनी भी होती है उनकी सोल्जर वाली, वो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाती हैं। और जैसे कि बाकी कैरेक्टर की अगर बात की जाए, तो इसमें कमल हसन का जो कैरेक्टर है वो दिखाया तो गया है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। जिस हिसाब से अगर मूवी की बात की जाए, तो मूवी जो है पूरी खत्म तो हो जाती है, लेकिन पूरी मूवी एंड आते आते आपके लिए पार्ट टू, पार्ट थ्री और लास्ट में एक बहुत बड़ा जो है लिखा हुआ आता है कि सिनेमेटिक यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है कल की का, तो सीधी सी बात है ये एक दो पार्ट में तो खत्म होने वाली नहीं है। तो बात करें मूवी के अंदर गाने वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं और इतना काम कर जाते हैं, वो तो मैंने बस देख ही लिए थे, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं। लेकिन बस मूवी का फर्स्ट हाफ जो है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है लंबा फील होता है, वहाँ पर मेरी थोड़ी सी शिकायत है और थोड़ा सा डीएजिंग वाला, मतलब आप कह सकते हो कि हाँ ठीक काम कर जाती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मूवी लवर हो तो आपको नोटिस होंगी ये चीज़ें जो आपको फील होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको रिव्यू समझ में आ गया होगा। रेटिंग की बात की जाए तो मैं इसे 10 में से जो है 7 की रेटिंग दूंगा। आई होप आपको रिव्यू समझ में आ गया होगा। रिव्यू पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर भी क्लिक कर लेना, ताकि वापस होना ज्यादा डर लगे। वैसे तो पहले तुम्हारे भाई की जगह नोटिफिकेशन आ जाए। मैं लो आपसे अलविदा, आप रखना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।